वेलकम दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर TIS, AIS और इनकम टैक्स 26AS फॉर्म के बारे में डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों फाइनली अब हमें फाइनेंशियल ईयर 2023-24 की बिजनेस की टैक्स ऑडिट भी करवानी है। तो टैक्स ऑडिट करवाने से पहले, बुक्स ऑफ अकाउंट्स को फाइनल करने से पहले, हमें एनुअल स्टेटमेंट के अंदर जो हमारा डाटा शो हो रहा है, जो एनुअल फिगर्स हमारी जो शो हो रही है, उसको हमें हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट के साथ मैच करना बहुत ही जरूरी होता है। तो आज की इस वीडियो के अंदर अपन इसी टॉपिक पर प्रैक्टिकली डिस्कस करेंगे भी हमें TIS के अंदर और AIS के अंदर 26AS फॉर्म के अंदर कौन कौन सा रिकॉर्ड शो होता है। तो वीडियो थोड़ा सा लेंथी जरूर हो सकता है, लेकिन इस वीडियो के अंदर नॉलेज आपको पूरा मिलने वाला है, क्योंकि इसके अंदर पूरी डिटेल के साथ अपने डिस्कस करेंगे भी AIS के अंदर पार्ट बी के अंदर आपको TDS एंड TCS इंफॉर्मेशन के अंदर कौन सा रिकॉर्ड आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट का शो होता है, SFT इंफॉर्मेशन के अंदर क्या रहता है, पेमेंट ऑफ टैक्सेस के अंदर क्या रहेगा, डिमांड और रिफंड के अंदर कौन सा रहेगा, और अदर इंफॉर्मेशन के अंदर हमें कौन कौन सा रिकॉर्ड हमारे बिजनेस का शो होता है और हमें कौन सा मिलान करना होता है। तो वीडियो को आप शुरू से लेके एंड तक कंप्लीट देखना, और ये आज की वीडियो स्पेशल उन अकाउंटेंट लोगों के लिए तो बहुत ही ज्यादा यूजफुल रहेगी जो पहली बार अपनी कंपनी की टैक्स ऑडिट करवा रहे हैं, ताकि उनको पता चल सके भी 26AS फॉर्म किस प्रकार से शो करना होता है और AIS और TIS की समरी हमें किस प्रकार से देखनी होती है। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मोहन सुथार और एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है स्मार्ट कंप्यूटर राइसनगर के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो वीडियो की शुरुआत करें उससे पहले आपसे एक छोटा सा निवेदन भी है, वीडियो अगर आपको पसंद आए, नॉलेजेबल लगे, तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, वीडियो को शेयर भी जरूर कर देना, और चैनल पर पहली बार है तो चैनल को भी आप जरूर सब्सक्राइब कर देना। तो सबसे पहले अपने बात करते हैं 26AS फॉर्म के बारे में, आपको 26AS फॉर्म किस प्रकार से देखना होता है। तो सबसे पहले आपको करना क्या होगा, इनकम टैक्स की ऑफिशियली वेबसाइट पर आपको आना है। यहाँ पर आपको अपना यूजर आईडी पासवर्ड लगा के लॉगिन हो जाना है। जैसे अपने लॉगिन होंगे तो इस तरीके के इनकम टैक्स पोर्टल पे अपने इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा, और यहाँ आपको क्लिक करना है ई फाइल पे। ई फाइल पे इनकम टैक्स रिटर्न आ जाएगा और यहाँ आपके सामने कुछ ऑप्शन दिखाई देंगे। यहाँ आपको व्यू 26AS यानी कि 26AS फॉर्म दिखाई देगा, और इसी नीचे आपको व्यू एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट यानी कि AIS की समरी यहाँ पर भी आपको दिखाई देगी। तो सबसे पहले अपने 26AS फॉर्म को भी क्लिक करते हैं। आपके साथ डिस्क्लेमर का आ जाएगा, इसको आपको कन्फर्म कर देना है। कन्फर्म करने के बाद में ये आपका ये आई एग्री का चेक बॉक्स पे क्लिक करके और इसको प्रोसेस पे क्लिक कर देना है। तो जैसे अपने प्रोसेस पे क्लिक करेंगे तो व्यू टैक्स क्रेडिट फॉर्म 26AS यानी कि एनुअल टैक्स इंफॉर्मेशन पर आपको यहाँ पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर असेसमेंट ईयर सेलेक्ट करना है। असेसमेंट ईयर यानी कि फाइनेंशियल ईयर हमारा 2023-24 है, तो असेसमेंट ईयर इसका हो जाएगा 2024-25। और यहाँ पे व्यू एज आपको HTML करना है। अब आपके सामने दो ऑप्शन है, आपको इसी स्क्रीन पर आपको अपने डाटा को शो करना है तो आपको व्यू पे क्लिक करना है। अगर आप इसको PDF के अंदर डाउनलोड करना चाहते हो तो एक्सपोर्ट एज PDF पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे अपने इसके व्यू पे क्लिक कर देंगे तो व्यू पे क्लिक करने के बाद में ये 26AS फॉर्म हमारे सामने कुछ इस तरीके से ओपन हो जाएगा। यहाँ आपको असेसमेंट ईयर आ गया 2024-25 का, व्यू एज अपनों ने HTML कर लिया, और यहाँ पर अपने को व्यू पे क्लिक कर देना है। व्यू पे क्लिक करेंगे तो ये हमारी कुछ जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है, जैसा कि हमारा ये पैन नंबर है, हालांकि मैंने इसको सिक्योरिटी के पर्पज़ से यूट्यूब की पॉलिसी वॉलेट ना हो इसकी वजह से मैंने इसको ब्लर किया हुआ है। नेम ऑफ एसेसी यानी कि जो आपका प्रोपराइटर है उसका नाम यहाँ पर आ जाएगा। एड्रेस आपका यहाँ पर आपको दिखाई देगा, तो ये आपको स्टार्टिंग में ये इंफॉर्मेशन दिखाई देगी। उसके बाद थोड़ा सा अपने जैसे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो ये पार्ट वन आपके सामने आ जाएगा। ये तो यहाँ आपके पास आ जाएगा डिटेल ऑफ टैक्स डिडक्टेड एट शोर्स, यानी कि यहाँ पर वो सारे डिडक्टर के नाम आपके सामने शो हो जाएंगे यहाँ पर भी, जिन जिन लोगों ने आपका TDS काटा हुआ है अलग अलग सेक्शन के अंदर। लेकिन अब यहाँ पर आपको कुछ अमाउंट भी देगी, तो ये अमाउंट आपके डिडक्टरों ने क्रेडिट करी है, और यहाँ पर ये अमाउंट है जो आपका TDS का पैसा कटा हुआ है, यानी कि ये TDS आपका कटा हुआ है सारा टैक्स डिडक्टेड यानी कि ये अमाउंट के अंदर, और ये उसका जो बेसिक वैल्यू है वो आपके अमाउंट की है। अब आपके साथ में अमाउंट काफ़ी ज़्यादा हो सकती है, तो आपके सामने यहाँ पर जो डिडक्टर का जो नाम होगा उस डिडक्टर का यहाँ पर एक प्लस का साइन होगा, तो आप जैसे इस प्लस पर क्लिक करेंगे तो इस अमाउंट का सारा डाटा एक्सट्रैक्ट हो जाएगा, यानी कि पूरा एक्सप्लेन खुल जाएगा भी इस 5320 रुपये के अंदर कौन कौन से सेक्शन के तहत आपका TDS है जो इस डिडक्टर ने काट रखा है। एग्जांपल के लिए मैंने एक एंट्री यहाँ पे करी हुई है, जैसे कि यहाँ पे मेरा एक फर्स्ट डिडक्टर है, यहाँ पर उस डिडक्टर का नाम आ गया,
तो जैसे मैंने उस डिटेक्टर के प्लस पे क्लिक किया तो यहाँ पर उन्होंने, हालांकि एक ही है अमाउंट है, सीरियल नंबर आ गया, ये सेक्शन आ गया, अभी 194R के तहत सेक्शन में TDS कटा हुआ है। ट्रांजेक्शन की डेट थी 29 फरवरी 2024 की, स्टेटस ऑफ बुकिंग की है, फाइलिंग की है, और यहाँ पर डेट ऑफ बुकिंग 2 जून 2024 की है। तो यहाँ पर इसकी जो अमाउंट क्रेडिट करी है वो है 166,294.44 की और 16,630 रुपये का TDS काट दिया 194R सेक्शन के तहत। तो जैसे ही अपने को मान लीजिए इसके अमाउंट की डिटेल बढ़ी है, तो डिटेल देखने के लिए जैसे ही अपने इस प्लस के बटन पर क्लिक करेंगे इसका डाटा ओपन हो जाएगा, पूरा डिटेल के साथ खुल जाएगा डाटा इसका सारा। तो ये आपका जो TDS काटा हुआ है जिन जिन डिडक्टर ने, तो आपको अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर, यानी कि आपको इस डिडक्टर का मान लीजिए आपको ये 5320 रुपये का TDS चेक करना है, तो आपका ये जो डिडक्टर है, हालांकि मैंने नाम यहाँ पर बदल किया हुआ, ये जो डिडक्टर है इसके नाम से आप अपनी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर के अंदर लेजर ओपन कर लोगे, और लेजर ओपन करने के बाद आप देखोगे भी आपके ये जो अमाउंट है ये अमाउंट क्रेडिट आपने कर रखी है या नहीं कर रखी, यानी कि ये जो अमाउंट है ये पार्टी के अकाउंट के अंदर आप क्या करोगे, डेबिट करोगे, और आप अपनी इनकम के अंदर इसको क्रेडिट करोगे। और उसके बाद में ये जो 5320 रुपये हैं ये आप इस डिडक्टर के अकाउंट के अंदर तो करोगे क्रेडिट, और एडवांस टैक्स के नाम से आपको करना होगा डेबिट। तो आपने ये 5320 रुपये की अमाउंट को TDS के रूप में क्लेम किया हुआ है या नहीं किया हुआ, तो ये आपको सारे जितने भी आपके डिडक्टर हैं उनके सारी TDS की अमाउंट को आपको मिलान करना पड़ेगा अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर के साथ में। तो ये था हमारा 26AS फॉर्म देखने का तरीका। अब अपने चलते हैं TIS पे। अब देखो TIS के अंदर क्या होगा, यहाँ पर अपनों ने आएंगे TIS देखने के लिए सेम वही तरीका रहेगा, ई फाइलिंग पे जाएंगे और व्यू एनुअल इन्फॉर्मेशन पे क्लिक कर देंगे, फर्स्ट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ आपको AIS पे क्लिक कर देना है। तो जैसे ही अपने AIS पे क्लिक करेंगे तो पहला ऑप्शन आ जाएगा आपके पास में टैक्स इन्फॉर्मेशन समरी, इस पर क्लिक करोगे तो जैसे ही अपने इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यह आपको एक चीज़ का ध्यान में रखना है, यहाँ आपको जो फाइनेंशियल ईयर आ रहा है यहाँ पर ये 24-25 है, यहाँ आपको फाइनेंशियल ईयर सेलेक्ट करना है 2023-24 का, क्योंकि फाइनेंशियल ईयर 23-24 है, तो 23-24 आपको सेलेक्ट करना है, ये ध्यान रखना डाटा आपका कोई गलत ना दे। तो जैसे ही अपने इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये TIS की समरी ओपन हो जाएगी, और यहाँ आपके सामने कुछ कैटेगरी भी आएगी। तो सबसे पहला जैसे कैटेगरी आपके सामने है भी इंटरेस्ट फ्रॉम सेविंग बैंक, यानी कि 554 रुपये आपको किसी सेविंग बैंक से आपको इंटरेस्ट आया हुआ है। अब ये सेविंग बैंक आपका एक हो सकता है, दो हो सकता है, तीन हो सकता है, तो सभी जैसे ही अपने इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपकी ये डिटेल पूरी ओपन हो जाएगी और आपके सारे वो बैंक भी आ जाएंगे कि कौन से बैंक से आपको कितना इंटरेस्ट मिला हुआ है। सेकेंड आ रहा है इंटरेस्ट फ्रॉम डिपॉजिट। अब इंटरेस्ट फ्रॉम डिपॉजिट के अंदर आपको क्या देखने को मिलेगा, जैसे ये रिपोर्ट आ रही है आपके सामने, इसको अपने थोड़ा सा जूम करते हैं, दिखा के भी इंटरेस्ट फ्रॉम डिपॉजिट। अब इंटरेस्ट फ्रॉम डिपॉजिट के अंदर क्या आ रहा है, ये जो 26,21,397 रुपये आ रहे हैं इसके अंदर आपका FD का इंटरेस्ट हो सकता है, प्लस आपका कोई भी ऐसा डेब्टर्स जिन्होंने से कोई व्यक्ति हो सकता है, कोई कंपनी हो सकती है, कोई फर्म हो सकती है, कोई पर्सनल इंडिविजुअल हो सकता है, जहाँ से आपको इंटरेस्ट है जो रिसीव हुआ है। ये था केवल आपका सेविंग अकाउंट का, बैंक का सेविंग अकाउंट से, ठीक है, और ये आपका अदर बैंक से FD से, FD का ब्याज भी हो सकता है इसके अंदर, और आपका किसी डेब्टर से, किसी कंपनी से, किसी फर्म से आपसे इंटरेस्ट आपको मिला हुआ है, ये उसकी डिटेल है। जैसे ही अपने इसके ऊपर क्लिक करेंगे यहाँ पर समरी को डिटेल के देखने के साथ, तो ये इसकी समरी ओपन हो जाएगी, इस 26,21,397 के अमाउंट के अंदर कौन कौन सी पार्टी ने आपको इंटरेस्ट दिया हुआ है। उसके बाद में बिजनेस रिसिप्ट, यहाँ पर आपके टोटल की बिजनेस जितनी भी आपकी रिसिप्ट है सारी जिसके अंदर आपने पैसा रिसिप्ट किया हुआ है का, तो वो डिटेल आपने AIS की समरी के अंदर देखेंगे तब आपको डिटेल के साथ पता चलेगा। या आपके पास GST की टर्नओवर आ जाएगी, यानी कि ये आपके पास में GST का टर्नओवर दिखाई देगा जो आपने फाइनेंशियल ईयर 23-24 के अंदर अपनी 3B के अंदर जो सेल आपने दिखाई थी, टैक्सेबल सेल और प्लस टैक्स फ्री की सेल, उन दोनों का टोटल आपके पास आ जाएगा। तो ये आपको जरूर एक बार चेक कर लेना है आपकी 12 महीनों की जितनी भी सेल है वो इतनी सेल के साथ बराबर मैच है या नहीं है। ये आपके पास आ जाएगी GST परचेज, इसका पूरा एक्सप्लेन आपने आगे देखेंगे जब अपने AIS की रिपोर्ट पे चलेंगे। तो GST की परचेज आके, यानी कि ये वो GST की परचेज है जो आपने रजिस्टर्ड लोगों से परचेज किया हुआ था, और जिन जिन लोगों ने अपने GSTR 1 के अंदर रिपोर्ट करी भी है तो
तो वो डिटेल आपके पास यहाँ आ जाएगी भी आपने इतनी परचेज करी भी है। अब ये किन किन लोगों से, किन किन पार्टियों से, किन किन कंपनी से आपने परचेज करी है, तो ये इसकी डिटेल जैसे ही अपने इसके ऊपर क्लिक करेंगे जीएसटी परचेज की पेरोल, तो ये एक्सप्लेन हो जाएगा पूरा। ये इसके बाद में आ जाएगी कैश डिपॉजिट, यानी कि ये पैसा आपने बैंक के अंदर डिपॉजिट कराया हुआ है। अब आपके पास ये एक बैंक के अंदर भी हो सकता है और ये पांच बैंक मिला के भी हो सकते हैं। उसके बाद में कैश विड्रॉल, यानी इतना पैसा आपने बैंक से विड्रॉल किया हुआ है। अब ये पैसा भी एक सिंगल बैंक का भी हो सकता है या चार पांच जितने भी आपके पास अकाउंट है उन सभी अकाउंट का मिला के भी हो सकता है। तो ये TIS के अंदर आपको पूरी डिटेल मिलेगी। तो सबसे पहले आपको सेविंग अकाउंट अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर चेक करना है, उसके अंदर जितना इंटरेस्ट आ रहा है इतना है या नहीं है, यानी कि आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर इन फिगर से ज़्यादा की अमाउंट हो सकती है लेकिन 554 से कम का नहीं होना चाहिए, ठीक है। यानी कि यहाँ पर ये जो डाटा हमारे दिखाई दे रहा है इस डाटा से ज़्यादा का डाटा आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर हो सकता है लेकिन इससे कम नहीं होना चाहिए। उसके बाद बात आएगी AIS की, यानी कि जैसे ही अपने इस AIS पे क्लिक करेंगे तो AIS पे क्लिक करने के बाद में ये कुछ इस तरीके से हमारा डाटा ओपन हो जाएगा, कौन सा पार्ट बी का। अब इस पार्ट बी के अंदर क्या होगा, ये हमारी कुछ इंफॉर्मेशन समरी आएगी यहाँ पे TDS की SFT की, तो ये आपने को अच्छी तरीके से देखनी है। अभी इसके अंदर अपने एक्सप्लेन करते हैं भी इसके अंदर क्या क्या डाटा दिखाई देगा। भी सबसे पहले आपका आ जाएगा TDS TCS इंफॉर्मेशन का, तो यहाँ आपके पास में भी इंटरेस्ट फ्रॉम डिपॉजिट, यानी कि अभी जो हमने ये जो डिटेल देखी थी ये वाली इंटरेस्ट फ्रॉम, अपने इसको एक बार हटाते हैं, ये उसकी समरी आ रही है। अब आपको पता चल जाएगा अच्छी तरीके से यहाँ पर ये जो 2621,397 रुपये की जो अमाउंट थी उसकी एक्सप्लेन यहाँ पर आ रही है। भी आपको यहाँ पर इस पार्टी का नाम है, हालांकि मैंने ये सिक्योरिटी के पर्पज से इसको ब्लर किया हुआ है, ये पार्टी का नाम है। यहाँ पर इंटरेस्ट फ्रॉम डिपॉजिट आ रहे हैं, TDS आपका आ रहा है 194A का, इंटरेस्ट अदर देन सिक्योरिटी आ रहे हैं, और ये आपको इंटरेस्ट के रूप में 1362 की अमाउंट आपको मिली है, 1362,000 रुपये का। उसके बाद में यहाँ पर भी पार्टी का नेम है, इससे भी आपको 194 यानी कि इंटरेस्ट आपको मिला हुआ है 1206,900 का। यहाँ पर भी TDS 194A है, यहाँ पर आपको एक सिंगल अमाउंट है, यहाँ पर भी 52,497 रुपये का है और ये TDS 194 है। यानी कि अगर अपनों ने इन तीनों का अगर टोटल करेंगे तो ये टोटल आपका इस अमाउंट के साथ टैली हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में जितने भी आपके पास इंटरेस्ट आपको मिले होंगे इसके अंदर थोड़ा सा अपने करते हैं, यहां पर ये आ गया सेक्शन आपका 194H का, ठीक है। यहां पर आपको क्या मिला हुआ है, ये जितने भी आपके TDS है वो सारे के TDS यहां पर इसके अंदर आपको शो हो जाएंगे, इंटरेस्ट फ्रॉम डिपॉजिट आ गया ना, ये वो तो अभी अपने बात करें 194H का, यानी कि ये कमीशन है, ये आपको कमीशन रिसीव हुआ है किससे, इस पार्टी से। और यहाँ पर 148 टोटल ट्रांजेक्शन करी हुई अकाउंट के अंदर देखोगे 148 का आ रहा है, ठीक है ना। इसको अंदर थोड़ा सा अगर अपने जूम करें तो 148 का आप लोगों को यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ठीक है। 148 जैसे ही अपने इस अमाउंट इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो 148 की जितनी भी ट्रांजेक्शन है, जितनी भी एंट्री है, वो टोटल एंट्री वाइज आपको यहाँ पर एक्सप्लेन हो जाएगा 148 एंट्री का, यानी कि ये कमीशन के अंदर आपका TDS कटा हुआ। तो इसके अंदर आपका जितना भी TDS या कोई TCS है वो टोटल डिटेल आपको इस TDS TCS इंफॉर्मेशन के अंदर दिखाई देगी। उसके बाद में नेक्स्ट आ जाता है हमारा इसके अंदर SFT का। SFT के अंदर मतलब क्या बन गया, भी कोई स्पेसिफाइड फाइनल ट्रांजेक्शन, यानी कि जो हमारा बैंकिंग से रिलेटेड जो ट्रांजेक्शन हमने करी है फाइनेंशियल, वो यहाँ पर आप देखोगे एक तो आपका इंटरेस्ट आया हुआ है, दूसरा आपने कैश डिपॉजिट कराया हुआ है इस बैंक के अंदर, और एक आपने इस बैंक के अंदर भी कैश डिपॉजिट कराया हुआ है, और यहाँ पर ये कैश डिपॉजिट आ गया जो अभी हमने TIS के अंदर जो देखा था ना यहाँ पे, ये कैश डिपॉजिट ये वाला, अब उसकी ये एक्सप्लेन है यहाँ पर इस कॉलम के अंदर कैश डिपॉजिट, कैश डिपॉजिट, और यहाँ आपको इंटरेस्ट ये आ गया कैश विड्रॉल भी, आपने इस बैंक से 250,000 रुपये का कैश विड्रॉल किया हुआ है। तो ये समरी आपको कहाँ से दिखेगी, SFT इंफॉर्मेशन के, यानी कि जो आपकी बैंकिंग जो स्पेसिफाइड फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन है उसको भी आपको चेक करना है भी आपने पैसा इतना विड्रॉल किया तो आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर इतना विड्रॉल है या नहीं है, सेविंग अकाउंट का इंटरेस्ट आपने इतना जमा किया हुआ है या नहीं किया हुआ। उसके बाद में पेमेंट ऑफ टैक्स, अब पेमेंट ऑफ टैक्स के अंदर क्या चीज़ आ जाएगा, भी फाइनेंशियल 2023-24 के दौरान
अगर आपने किसी भी प्रकार का कोई टैक्स डिपॉजिट करावे इनकम टैक्स का, चाहे वो आपने कोई पेनल्टी के रूप में जमा कराया हो, कोई लेट फीस आपने जमा कराई हो, कोई डिमांड आपने जमा कराई हो, या कोई सेल्फ असेसमेंट का अगर आपने कोई टैक्स डिपॉजिट कराया हो, तो वो आपको पेमेंट ऑफ टैक्स के अंदर या डिटेल आपको दिखाई देगी। हालांकि इसके अंदर नो रिकॉर्ड फाउंड है, इसका मतलब इसके अंदर कोई भी आपने चालान जमा नहीं करवाया हुआ इनकम टैक्स का। उसके बाद में नेक्स्ट आता है डिमांड एंड रिफंड का, यानी कि अब मान लीजिए आपने कोई डिमांड आपने कोई है आपके पास में, तो ये डिमांड पे क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पर डिमांड भी शो करेगा भी आपकी इस फाइनेंशियल ईयर की इतनी कोई डिमांड है, लेकिन आपने रिफंड पे क्लिक किया हुआ है तो यहाँ आपने कोई रिफंड भी दिखाई देगा। ये कौन सा है, असेसमेंट ईयर 2023-24 का, यानी कि फाइनेंशियल ईयर कौन सा हो गया 2022-23 का। ये हमारा रिफंड हमें 12 दिसंबर 2023 को मिल चुका है और यहाँ पर ECS हो चुका है, यानी कि ये डायरेक्टली हमारे बैंक के अकाउंट के अंदर ये क्रेडिट हो चुका है। उसके बाद में अदर इन्फॉर्मेशन आएगी। अब इस अदर इन्फॉर्मेशन में क्या रहता है, अब इसके अंदर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट डिटेल्स है अदर इन्फॉर्मेशन। अब इस अदर इन्फॉर्मेशन में क्या होगा भी, आपके सबसे पहले GST की टर्नओवर है, ठीक है, सेल रिपोर्ट GSTR 3B के अंदर आपने इतनी सेल की रिपोर्ट करी हुई है। अभी इसके अंदर आपकी टैक्स की और टैक्स फ्री की दोनों सेल इंक्लूड है। जैसे अपने इसके ऊपर यहाँ पे लिखा ना काउंट 12, इसका मतलब पूरे अपने 12 महीनों की ये सेल की टोटल आ रहा है, आपको कौन से महीने के अंदर कितनी सेल आपने दिखाई है। तो जैसे ही अपने इस ऊपर आके अपने क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ये 12 महीनों का डाटा एक्सट्रैक्ट हो जाएगा, यानी कि पूरा एक्सप्लेन आपके सामने दिखना हो जाएगा भी आपने अप्रैल के अंदर आपने टैक्स फ्री टैक्सेबल सेल इतनी है और टोटल सेल इतनी है, मई कितनी है, जून कितनी है, जुलाई कितनी है, 12 महीनों की रिपोर्ट आपको यहाँ पर शो कर देगा। उसके बाद में नीचे बात डिटेल आ जाएगी टोटल आपकी GST की परचेजें, आपने जिन जिन पार्टियों से परचेज करी है, यानी कि GSTR 1 की रिपोर्ट के अंदर जो शो हुई है परचेज रिपोर्ट अंडर GSTR 1 बाई सेलर, अब यहाँ पर वो सेलर का नाम आ जाएगा, यानी कि जो आपका सप्लायर है, जो आपका सेंडरी क्रेडिटर है, जिनसे आपने गुड्स परचेज किया हुआ है, उसका नाम ही आपको दिखाई देगा। यहाँ आपको काउंट दिखाई देगा 12, यानी कि इसने हर महीने के अंदर आपने इस पार्टी से परचेज करी है और उसके परचेज की टैक्सेबल वैल्यू ये है। अब इस तरीके से जैसे ये एक पार्टी है, यहाँ पर भी अपनों ने GST परचेज करी है, लेकिन काउंट इसके अंदर 6, यानी कि अपनों ने इस 12 महीनों में से कोई ऐसे 6 महीने ऐसे हैं जिसके अंदर अपनों ने 6 बार इनसे परचेज किया हुआ है 6 मंथ के अंदर। अब अप्रैल हो सकता है, जून हो सकता है, फिर मान लीजिए सितंबर अक्टूबर हो गया, मार्च फरवरी हो गया, तो कुल मिला के यहाँ पे 6 महीने के अंदर आपने परचेज की भी है। तो इस तरीके से जितने भी आपके टोटल परचेज रहेंगी वो सारी की सारी रिपोर्ट्स आपको इस अदर इंफॉर्मेशन के अंदर दिखाई देगी। तो अब बात आएगी भी आपको मिलान क्या क्या करना है। तो मिलान करने के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको जो सेविंग अकाउंट का जो इंटरेस्ट है वो आपको जरूर चेक कर लेना है, GST की जो टर्नओवर है वो आपको जरूर चेक कर लेनी है, जो आपने परचेज कर रखी है उस परचेज को आपको जरूर चेक कर लेना पार्टी वाइज, भी कहीं ऐसा ना हो भी पार्टी ने ऑनलाइन पोर्टल पे दिखा रखे हो 15 इनवॉइस, आपके पास बुक्स में एंट्री अभी तक 13 इनवॉइस की, तो जो 2 इनवॉइस एक्स्ट्रा जो आ रहे हैं वो कौन से ऐसे इनवॉइस है जो आपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर उसकी एंट्री अभी तक आपने नहीं करी है, तो वो आप अपने सप्लायर के साथ एक बार डिस्कस करके उन दो स्टेटमेंट दो जो इनवॉइस जो पेंडिंग है उसके बारे में आप डिस्कस कर सकते हो, ठीक है, भी पार्टी ने वो रॉन्ग दिखा दिए या फिर वो आपसे कोई एंट्री होना मिस हो चुकी है। तो इस तरीके से बहुत कुछ हमारा रिपोर्ट्स रहता है जो हमें ऑनलाइन पोर्टल के साथ जो मैच भी करना होता है, विशेषकर ये जो हमारी जो TDS के अमाउंट्स हैं, TDS के अमाउंट को भी आपको जरूर चेक करना है क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। आपको इनकम टैक्स एक तरीके से आपने ये एडवांस इनकम टैक्स फाइल कर दिया, तो एडवांस टैक्स जो आपने फाइल किया है तो वो भी आपको अपनी बैलेंस शीट के अंदर जरूर चेक करना है भी आपने इसको एसेट साइड के अंदर जितना आपका 26AS के अंदर जो डाटा शो हो रहा था, जैसे अभी अपने चलते हैं 26AS पे, ये जो 26AS के अंदर है ये जो आपका टोटल TDS है, ये TDS मतलब टोटल करके इसका, और वो टोटल आप अपने बैलेंस शीट के अंदर जरूर चेक कर लेना भी एसेट साइड के अंदर आपने दिखा दिया या नहीं दिखा दिया। अगर आपने इसकी एंट्री डायरेक्ट कैपिटल अकाउंट के अंदर कर दी तो आपको ये अमाउंट कैपिटल अकाउंट के अंदर जरूर से होगी। आई होप कि आप 26AS TIS और AIS का जो कन्फ्यूजन था वो आपके माइंड से दूर हो गया होगा। फिर भी अगर आपका कोई क्वेश्चन है, कोई आपकी क्वेरी है, तो आप हमें डेफिनेटली कमेंट कीजिए, कोशिश करते हैं उसका
नेक्स्ट वीडियो के अंदर रिप्लाई देने की। और वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो पसंद आई तो लाइक जरूर कर देना, वीडियो को शेयर भी आप जरूर कर देना।